मौसम फिर से ख़राब होना शुरू हो गया है। काले बादल उस तरफ से आ रहे हैं, सूरज को भी इन्होंने कवर किया हुआ है। इसी तरह ही है मौसम, 2-4 दिन से कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप इतनी तेज़ होती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार पूरे 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद मैं वापस आ चुका हूँ और इसने शोर डाल दिया यहाँ। तो यार पिछले 2 दिनों से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, क्योंकि मैंने इसके अपने फ्रेम को पेंट करना था। मौसम बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ हुआ है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल आती है। अभी भी देखें सूरज बादलों में छुपा हुआ है, बहुत ज़्यादा मसला हुआ हुआ है। बारिश में ये भी ख़राब हो रहा है, और बारिश की वजह से अब पेंट भी नहीं कर सकते हम इसको, बहुत मसला हुआ हुआ है। खैर बारिशों ने एक और भी नुकसान किया हमारा, ये फेड इसके अंदर पड़ी हुई थी, इसके अंदर सारा पानी चला गया और ये फेड हमारी सारी ख़राब हो गई है। तो रात को मैं गुजारे के लिए चावल लेके आया था इनके लिए, अभी सबको चावल ही डालेंगे। खाते भी बहुत शौक से हैं, लेकिन आज इनकी फीड का भी इंतज़ाम हो जाएगा, तो अभी के लिए इनको चावल ही डालेंगे। फिर मौसम बहुत ज़्यादा अजीब हुआ हुआ है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी धूप निकल आती है इतनी तेज़ जो बर्दाश्त से भी बाहर हो जाती है, और तो कभी इतना ठंडा मौसम हो जाता है, और इसने लहदा छोड़ डाला हुआ। मुझे तो लगता है इसके बच्चे हैं यहाँ पर इस दरख्त के ऊपर, क्योंकि ये इसने 2-3 दफ़ा मेरे ऊपर हमला भी किया। हो सकता है इसके यहाँ बच्चे हैं और जिनकी प्रोटेक्शन के लिए ये हमला कर रहा है बार बार। तो खैर अपना काम करते हैं, इसको हम नहीं छेड़ते, नहीं छेड़ते हमें, हम तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। और एक और इनकी हरकत देखिए, यहाँ पर किसी मुर्गी ने अंडा दिया और ये सब खा के हजम भी कर गए हैं उसको, ये छिलका पड़ा हुआ सिर्फ। चले अभी इनको दाना डालते हैं, पानी डालते हैं, पानी चेंज करते हैं इनका। यार चावल वगैरह सबको मैंने डाल दिए हैं, बस इनका पानी चेंज करते हैं। यार दाना पानी वगैरह सबको डाल दिया, और मौसम फिर से ख़राब होना शुरू हो गया है। काले बादल उस तरफ से आ रहे हैं, सूरज को भी इन्होंने कवर किया हुआ। इसी तरह ही है मौसम, 2-4 दिन से कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप इतनी तेज़ होती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती।
खैर हमने तो यहाँ पर पेंट करना है अपना। अब जैसे ही मौसम कुछ बेहतर होगा, कुछ ह्यूमिडिटी कम होगी तभी पेंट होगा, वरना तो पेंट सूखने में 2-3 दिन ले जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।